खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर तैनात एक स्टाफ नर्स की लापरवाही से एक महिला को अब अपना हाथ कटवाना पड़ रहा है। बताते चलें, एक गर्भवती महिला को प्रसव के बाद स्टाफ नर्स ने गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद महिला का हाथ काला पड़ गया और देखते ही देखते दो ही दिन में उसका हाथ सड़ गया। जब पीड़िता का पति उसे फिर से अस्पताल लेकर गया तो वहां से पूरे परिवार को भगा दिया गया। पीड़ित के पति ने पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, परंतु कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार इतना गरीब है कि हाथ की सर्जरी कराने तक के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में महिला के हाथ में इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते अगर उसका हाथ नहीं काटा गया तो महिला की मौत भी हो सकती है। मामला बहराइच जनपद के पयागपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरवा टकुराइन गांव का है, जहां के निवासी महेश गुप्ता ने अपनी पत्नी निधि गुप्ता को बीते 10 दिसंबर को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर तैनात स्टाफ नर्स ने महिला को एक गलत इंजेक्शन लगा दिया। बड़े डॉक्टरों का कहना है कि मांस में देने वाला इंजेक्शन नर्स ने निधि के नसों में लगा दिया, जिसके बाद देखते ही देखते निधि की हालत खराब हो गई। निधि का हाथ नीला और काला पड़ गया और 48 घंटे के अंदर ही उसका हाथ सड़ गया। परिवार 20 दिन से इंसाफ के लिए थाने और अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस दोनों ही दोषी स्टाफ नर्स को बचाने में लगे हैं। वहीं यह खबर आग की तरह देवीपाटन मंडल में फैल चुकी है। शहर के तमाम प्रतिष्ठित अखबार और हेडलाइन बन चुकी है, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। उधर लखनऊ ट्रामा सेंटर से निधि के परिवार वालों को बताया गया कि अगर एक हफ्ते में निधि के हाथ को ऑपरेशन करके अलग नहीं किया गया तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं गांव के लोग अस्पताल की इस लापरवाही से काफी भयभीत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी बहू बेटियां अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाती हैं, तो क्या गारंटी है कि बाद में उसका हाथ न कटवाना पड़े। बहराइच से अशोक कुमार सोनी की रिपोर्ट। हम भैया गरीब में नहीं हैं, तो हम कहाँ तरह रुपया पाए, कौन में हम दवाई कराई थी कि हम बिटिया के ब्याह ठहर बिटिया के ब्याह कर डाली, कौन में कर लेने कि लड़का ने अपने दिया ली हम जी। हम पाली थे कौन मेर के करी थे वो बच्चन के और क्या करे, जै दिन हम करी थे तो एक बार में क्या कोई जिम्मेदार हुआ था, हम बीमारियां में नहीं हैं। पहले एक लगाई नहीं चढ़ा, उसके बाद में ये तरफ से सुइया लगाई, ये तरफ सुई लगाई, हाथ नीला होगा, उनसे पूछन कि क्या बात है नीला होगा, कहीं कि हाथ काउंटर हो जावा। किसने कहा? वो नेहा कहीं। अच्छा, नेहा कहीं दो चार लोग जो आए डालते कहीं कि हाथ काउंटर होगा, उनका एक एक आखिर मतलब का है लागू, तो कहीं कि दो चार दिन में ठिकाई जाई, उसके बाद में दर्द उठा, फिर गैन बलायन तब कहीं नमक पानी से धुल दो ठिकाई जाई, तब दो दिन बाद ठीक हो गया, तब नहीं ठीक भया। अच्छा, और फिर गए फिर बलवान तब कहीं के बच्चा का दूध पिला, हम कहा बच्चा दूध नहीं पी पाओ है, नहीं पिया पाते इतना छटपटाती है, तो कहीं नखरा बनाए हैं। अच्छा, ये नखरा बनाए हैं, ओके दो घंटा के बाद में हमें रेफर गए, थाने पे गए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ, फिर एसपी के यहाँ गए, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ, सीएमओ के पास गए, वहाँ पे फोन करा, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, 1076 पे अप्लाई उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, तो क्या करें? अभी डॉक्टर ने कह दिया कि हाथ काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ले जाएंगे? हाँ, ले जाएंगे, रुपए है नहीं तो कहाँ लेके जाएं। अच्छा, रुपए पैसा व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। तो वैसे देर लगाएंगे आप तो इन्फेक्शन उसके पूरे शरीर में हो जाएगा, फिर तो क्या करें बताइए, तो रुपए है नहीं तो क्या करें। अच्छा, तो जो दोषी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? कार्रवाई नहीं हो रहा है, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई नहीं। अच्छा, किस तारीख को ये हुआ था? 10 तारीख को। क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। 10/12/2021 को डिलीवरी हुई थी, तो 7:59 पर,
तो नेहा गुप्ता ने इंजेक्शन लगा दिया तो हाथ नीला हो गया, नीला से फिर काला हो गया। तो इसने कहा कि घर लेके जाइए, अब जल्दी सही हो जाएगा नमक पानी से। तो हम कहें चलो ठीक है, घर लेके चलो। फिर दूसरे दिन सुबह देखें तो एकदम कहता इतना कोनो नौकरी चाकरी तो है नहीं कि दवाई पानी कराई ले। अब गरीब मने कहाँ जाए दवाई पानी करावे, लड़कन देखा कि अपना देखा कि क्या का देखी है ये। अच्छा, इनकी तो कोई गलती है नहीं? गलती तो सब नेहा गुप्ता का है ना। उनके ऊपर क्या कार्रवाई चाहती है? उनको यही चाहा जाए कि भैया जेल जाए बस। हाँ, जेल जाए या तो हमारे इनका निक करे देवरानी का हाथ, जब साथ रहा था साथ ठीक कर दे या तो जेल जाए। अवय सिंह, अच्छा बताइए कि क्या हुआ है इनके निधि गुप्ता के साथ में? डिलीवरी का मामला था, ये हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया तो नेहा गुप्ता इनके इलाज में, लेकिन उस वक्त कोई डॉक्टर और नहीं था अस्पताल में, कोई डॉक्टर नहीं और कोई डॉक्टर सिर्फ नेहा गुप्ता थी। नेहा गुप्ता है क्या? नेहा गुप्ता नर्स है। नर्स, ठीक, स्टाफ नर्स है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनको इंजेक्शन लगाया गया, फिर इंजेक्शन लगाने के बाद इनका जब डिलीवरी का मामला हुआ, फिर जब इंजेक्शन लगाया गया तो इनका हाथ नीला पड़ गया। अच्छा, क्या लगता है आपको इंजेक्शन में कोई लगाने में कोई गलती हो गई? इंजेक्शन में लगाने में या फिर उसने डोज डाल दी या फिर दवा गलत दे दी, दो में से एक चीज की उन्होंने, वो क्या किया वो तो उनको मालूम होगा। तुरंत नीला हो गया था, तुरंत 5 मिनट में ही नीला हो गया। उसके बाद आप उसके बाद वो बोले कि दो मतलब पानी और नमक से उसको धुलाई करिए सही हो जाएगा। वो पानी नमक से धुलाई फिर भी नहीं सही, बोले कि उसके बाद 2 घंटे बाद उसने डिस्चार्ज कर दिया। बोले जाओ बाद में घर पे, 2 दिन में सही हो जाएगा। और डिस्चार्ज हम लोग घर पे लेकर आए, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे भी, नहात सही हुआ। फिर उनके पास लेकर बोली हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो हम अपना इलाज करते बात खत्म। ऐसा कोई किया जाता है हॉस्पिटल में? अगर तो आपने पूछा नहीं कि अब इसका हाथ बेकार हो गया, कौन जिम्मेदार है? वो बोली हमसे कोई मतलब नहीं है। विनोद सिंहपुर प्रधान मुंडरवा ठकुराई। अच्छा, आपके गांव में जो है गांव की बहू के साथ में ये हादसा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ऐसा हादसा हो गया है तो अब हमारे गाँव की कोई भी डिलीवरी केस या कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपको नहीं जाएगा। क्यों, ऐसी क्या वजह? हमें कोई भरोसा नहीं रह गया। क्या हुआ इस लड़की के साथ में? इसकी डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद इसको इंजेक्शन लगाया गया, इंजेक्शन लगाने के 5 ही मिनट बाद हाथ नीला हो गया। नीला के बाद जो है जब फिर हम बुलाए गए, हम गए मौके पे, फिर हमने डॉक्टरों को बुलाया तो वहाँ कोई आया नहीं। और गुप्ता से पूछा गया, नर्स से, उन्होंने कहा कि जो है 2 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा, इसको गर्म पानी से धुल दीजिए सही हो जाएगा।